हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरह से ये चार्ट में बनता है और इस पैटर्न का हम यूज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इस पैटर्न के साथ हम प्रॉफिट बना सकते हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे, साइमल्टेनियसली चार्ट में भी एनालाइज करेंगे इस पैटर्न को। इससे पहले कि हम सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न डिस्कस करें, सिमेट्रिक ट्रायंगल बेस्ड है इन दोनों वीडियोस पे जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अगर आपने ये दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सबसे पहले सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस सिचुएशन में बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, बहुत वोलेटाइल है, कभी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब कोई फिक्स ये नहीं है कि हाँ स्पेशली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है या फिर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है या फिर कोई मूविंग एवरेज है उसको फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट में अप एंड डाउन चल रही है। ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो इस वोलेटिलिटी का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे में हम आप जैसे लोग जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, जो बेसिक से स्टार्ट करता है, उसे मार्केट की वोलेटिलिटी में लॉस हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तब हम वेट कर सकते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बनने का। क्यों? ये सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ये एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में अगर बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल है तब ये पैटर्न बनता है, और बनने के बाद एक जगह पे ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनडिसीजन हो रहा है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी रिड्यूस होते 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 काफी हद तक कम हो जाती है, और उस सिचुएशन में हम हमारे लिए डिसीजन लेना कि अब मार्केट में कोई ना कोई ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। या फिर ब्रेकडाउन होगा। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे, और अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट करके ले लेंगे। दोनों ही सिचुएशन में हम प्रॉफिट बना के निकलेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के साथ। अब जान लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है। वैसे फॉर्मेशन और शेप स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने दो एपिसोड एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फॉर्मेशन, इसकी शेप कैसी होती है सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। शेप की बात की जाए, फॉर्मेशन की बात की जाए कि सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आपने देखा होगा कि सपोज मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आती है, एक हाई बनाता है मार्केट। ये रेसिस्टेंस बनाता है, फर्स्ट रेसिस्टेंस, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। नीचे आती है मार्केट, फिर यहाँ पर जो पहला लो बना है, ये जो पहला लो बना है इसके बाद एक और लो बनता है, वो हायर लो होता है। ये हायर लो होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लिया। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लेता है मार्केट, उसके बाद ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद फर्स्ट रेसिस्टेंस से नीचे सेकेंड हाई बनता है। लोअर हाईस, यहाँ पर सेकेंड रेसिस्टेंस बनाता है, वापस मार्केट नीचे आती है, वापस एक लो बनता है, और अब इस बार वाला लो पहले वाले लो से थोड़ा सा ऊपर बनता है, यानी हायर लोस। यहाँ पर सपोर्ट टू, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है, वापस एक रेसिस्टेंस बनता है। जैसे पहले सेकंड रेसिस्टेंस ने फर्स्ट रेसिस्टेंस से नीचे रेसिस्टेंस बनाया, वैसे ही जो थर्ड रेसिस्टेंस है उसने भी पहले वाले रेसिस्टेंस से नीचे का हाई क्रिएट किया। यहाँ पर रेसिस्टेंस 3, यहाँ से वापस मार्केट नीचे जाती है। नीचे जाने के पहले ये जो सपोर्ट है उसके ऊपर
एक सपोर्ट बनता है, यानी कि हायर लोज पे सपोर्ट बनता है, उसके बाद वापस ऊपर जाती है। इस तरह से मार्केट धीरे धीरे, अगर अब हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हम शेप की बात करें, तो शेप के लिए हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये रेसिस्टेंस लाइन को अगर हम कनेक्ट करते हैं, इस रेसिस्टेंस लाइन को कनेक्ट करते हैं, ओके, तो इस तरह से हमारी जो है वो शेप निकल कर आती है, ये हमारी शेप निकल कर आती है। इस तरह से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके, ये बनता है हमारा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या है? इस ट्रायंगल की स्पेशलिटी ये है कि ये ऊपर की तरफ से रेड्यूस होता है, नीचे की तरफ से बढ़ता है, यानी कि हम एक प्रॉपर ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं। अब जैसे कि आपने असेंडिंग ट्रायंगल में भी देखा था, असेंडिंग ट्रायंगल, और जब तक आप वो एपिसोड नहीं देखेंगे, तब तक इस एपिसोड में और उस एपिसोड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप असेंडिंग ट्रायंगल का भी एपिसोड देखें, क्योंकि वहां पर सपोर्ट में डिफरेंस होता है, ओके, सपोर्ट में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज होते हैं, बट यस, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, तीनों भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक ट्रेडर के लिए, ट्रेड लेने के लिए, ओके। सो इस तरह से हमारा बनता है सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये फॉर्मेशन हुई। अभी इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट बना रही है, और पहले वाले सपोर्ट से ऊपर सपोर्ट बनता है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस बना रही है, तो पहले वाले रेसिस्टेंस से नीचे का रेसिस्टेंस बनता है। सो इस तरह से हम ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे क्या नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट कम हो रहा है, बायर्स भी कम हो रहे हैं, और साइमल्टेनियसली सेलर्स भी कम हो रहे हैं। तो जब बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, तो ऐसे में कैसी सिचुएशन आती है? ऐसे में सिचुएशन आती है इनडिसिसिवनेस की, ओके, हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे आने वाली है। हम डिसीजन कब ले पाएंगे? हम डिसीजन तब ले पाएंगे जब इस पैटर्न में ब्रेकआउट आएगा, ओके। तो अगर इस पैटर्न में यहाँ ब्रेकआउट होता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके कोई कैंडल, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ क्रॉस करके कोई कैंडल ऊपर की तरफ चली आती है और मार्केट वहां सस्टेन कर जाता है, तब हम ये कहेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट किया है, यानी इस पैटर्न ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ ब्रेकआउट ना करके मार्केट वापस नीचे आती है और यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होता है, ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया होता है, तो हम ये कहेंगे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। सो इस तरह से हम इस सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। बस हमें वेट करने की जरूरत होगी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वॉलेटिलिटी धीरे धीरे मार्केट की रिड्यूस होती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर बायर्स और सेलर ब्रेक इवन पे होते हैं, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, तब वो हमारे लिए एक्चुअल में वो एक रिवर्सल होता है, और जब इस ब्रेकआउट के बाद हम अपनी ट्रेड लेते हैं, तो प्रॉपरली ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है, हमें एक अच्छा चंक भी देकर जाता है, ओके। सो इस तरह से सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न काम करता है। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न लोग बाय कब करेंगे? देखो, अगर आपको ब्रेकआउट मिला, तो ओके, बाय ऑन डिप्स की पोजीशन होती है, अच्छा, ये इनडिसीजन जो है, मार्केट की वोलेटिलिटी रिड्यूस हुई है, ये कब कब लोग बाय करते हैं? जब जब लोगों को लगता है कि यहाँ पर हायर लोज बनते हैं, हायर लोज जब बनते हैं, तो बायर्स को लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जा रही है, मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं और वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना, सेकेंड रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस के नीचे बना, तो यहाँ पर लोगों ने सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, यानी कि जैसे मार्केट में हाई बने, वैसे ही शॉर्ट सेल करो, वैसे ही शॉर्ट सेल करो, ओके। सो इस तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू धीरे 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 मार्केट सिकुड़ता गया, ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम कम होता गया, ओके, और बायर्स और सेलर्स में इनडिसिजन हो गया, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। अच्छा, इनडिसिसिव की सिचुएशन अगर आपको याद हो, तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज डिस्कस की थी, उसमें हमने बात की थी डोजी की,
ओके, हमने बात की थी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी और भी बहुत सारे चार पांच टाइप्स हैं डोजी के, वो हमने डिस्कस किए थे। अगर हम इस इनडिसिजन की बात करें या फिर ये देखने की कोशिश करें कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं चार्ट पैटर्न में, चार्ट में एनालाइज करने के लिए ताकि हमें ये ना भूले, तो हम अगर इस जो भी हमारी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके चलो कलर दूसरा ले लेते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके ये इनडिसिसिव यहाँ पर जो हमारा शेप है, यहाँ को अगर हम लाइन देखें तो ये हमारा बनता है डोजी, ये हमारा बनता है डोजी। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज नहीं देखी है तो आप उसे जरूर चेकआउट करें, ओके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्पेशली डोजी के एपिसोड की, वहां पर हर तरह की डोजी डिस्कस की हुई है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इस पूरे सिमेट्रिक ट्रायंगल को एक पर्टिकुलर कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये पर्टिकुलर डोजी कैंडल अपने आप में ही इनडिसिजन बताता है कि बायर्स और सेलर्स इक्वली ब्रेक इवन पे है, तो मार्केट कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम डोजी भी देखते हैं तो भी यही इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मार्केट या फिर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, जहां भी ब्रेकआउट दे हम उसी तरफ ट्रेड लेंगे। इस तरह से हम फॉर्मेशन के साथ हम डोजी कैंडलस्टिक को ध्यान में रख करके याद रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, हमें अलर्ट होने की जरूरत है। ओके चलिए अब जान लेते हैं कि चार्ट में हम इसे कैसे एनालाइज करेंगे। ओके ये अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने अडानी इंटरप्राइजेस से क्यों लिया, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल था, उसके बाद बिकॉज ऑफ रिपोर्ट और बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक न्यूज, हम न्यूज और अडानी इंटरप्राइजेस क्या है क्या नहीं है हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम जस्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे खासे वोलेटिलिटी के बाद जब मार्केट सिकुड़ता है तो कैसे किस तरह का पैटर्न बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट वापस नीचे आई है, लो बना है, ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है, फिर हाई बना है, पहले वाले रेसिस्टेंस से दूसरा वाला रेसिस्टेंस, लोअर हाई बनाता गया, पहले वाले सपोर्ट से दूसरा वाला सपोर्ट, हायर सपोर्ट बनाता गया। इस तरह से हमारा जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल की पैटर्न बनती है। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वॉल्यूम देखिए यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम डोजी ड्रॉ करें तो ये हमारा बेस लाइन है, ये हमारा इंडिसेसिव की लाइन है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ हम अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा डोजी बन जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इस तरह से सिमेट्रिक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इनडिसिजन बताता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट कहीं भी कभी भी हो सकता है, या फिर ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, साइमल्टेनियसली हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। ओके शॉर्ट तो इंट्राडे में ही होगा। अगर लॉन्ग करना है तो आप स्विंग भी ले सकते हो, डिपेंड कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आप पैटर्न को देख रहे हैं। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी होती है, उतना लंबा टारगेट हम सेट कर सकते हैं। वैसे कहने को तो बहुत ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि जो बेस लाइन होती है उतना ही ब्रेकआउट की जगह पे ये हमें टारगेट देकर जाता है, उतना ही हमें ब्रेकआउट की जगह पे टारगेट दे जाता है, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो जितना ये बेस लाइन होती है उतना ही हमें नीचे की तरफ टारगेट मिल जाता है। लेकिन टारगेट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही स्पेसिफिक टारगेट होता है, ये नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेकर के भी हमारा टारगेट सेट किया जा सकता है। तो ये थी हमारी अडानी इंटरप्राइजेस की चार्ट एनालिसिस। सो एट लास्ट अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल की बात की जाए तो कहने वाले कहते हैं कि इसका पैटर्न कंटिन्यूएशन का होता है। कंटिन्यूएशन का होता है, वो भी उसके दो टाइप होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। ये कंक्लूड कर रहे हैं। सो कंटिन्यूएशन होता है उसका, एक्चुअल में जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यूएशन फॉर्म में होती है, और या फिर बुलिश होता है या फिर बेरिश होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसके बाद सिमेट्रिक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है तो ये प्रिटेंड किया जाता है कि उसी प्रायर ट्रेंड को ही ये कंटिन्यू करता हुआ आगे भी नजर आएगा। और अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो कहा जाता है कि सिमेट्रिक ट्रायंगल की फॉर्मेशन के बाद प्रायर ट्रेंड को ही ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, यानी कि वापस मार्केट बेरिश होगी। बट ये पहले होता था, नाउ अ डेज मार्केट रिवर्सल भी होती है। सो इसका सिर्फ एक कंटिन्यूएशन है फॉर्मेशन यही नहीं कह सकते हम, इसके रिवर्सल भी होते हैं।
कि ज्यादातर आजकल रिवर्सल ही होते हैं, तो अब वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिवर्सल भी बुलिश फॉर्म में होता है और बेयरिश फॉर्म में होता है। सो ये डिसाइड करने की जगह पे प्रायर ट्रेंड को ज्यादातर लोग रडार रखते हैं, इसलिए ताकि वो अपना टारगेट सेट कर सके, ओके, कि ये हमें पर्टिकुलर सिमेट्रिक ट्रायंगल कितना टारगेट दे सकता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन प्रायर ट्रेंड का ही मतलब ये नहीं है कि अगर प्रायर अप ट्रेंड है तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही होगा। प्रायर ट्रेंड देखने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारा अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो किस तरफ होता है, अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है। तो जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, हमें उस तरफ ट्रेड लेना होता है। सो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन फॉर्म है, ये रिवर्सल फॉर्म भी है। हमें ब्रेकआउट पे नजर रखनी है, ना कि प्रायर ट्रेंड पे। प्रायर ट्रेंड हमें टारगेट दे सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बता सकता कि हाँ प्रायर ट्रेंड के हिसाब से ही हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एट लास्ट हमने आज के एपिसोड में क्या क्या डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हमने सिमेट्रिक ट्रायंगल को डिस्कस किया, सिमेट्रिक ट्रायंगल की किस सिचुएशन में अकर होती है, और ऐसे कौन कौन से शेप हैं, फॉर्मेशन है, फ्रिटोजी कैंडल को ध्यान में रख करके हम चार्ट में किस तरह से एनालाइज करेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल को, ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह से हम प्रॉफिट बना सकते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ और एक अच्छी चंक ले सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमने अडानी इंटरप्राइजेस की भी चार्ट एनालिसिस की, जिसके थ्रू हमने ये आइडेंटिफाई किया सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप पिंटरेस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।